बुक्स इज जस्ट 99 रुपीज। आज इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से आप 99 रुपीज में किसी भी बुक को खरीद सकते हो। एज ए रीडर आपको बुक के साथ साथ बुक कहाँ से खरीदना है उसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो बुक्स हमें रिसीव होते हैं 99 रुपीज में उनकी क्वालिटी कंडीशन और उनकी रीडेबिलिटी फैक्टर्स कैसे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बाय बुक्स इन 99 रुपीज। माय नेम इज मनोज शर्मा, यू आर वॉचिंग बुक ओपिनियन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लगभग कुछ ही महीनों पहले मैंने इन चारों बुक्स को सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज में खरीदा था और उसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसको आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और मुझे उनके सर्विसेज, डिलीवरी और साथ साथ बुक के कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ बात करना है। तो मैं इन चारों बुक्स के ऊपर बताने वाला हूँ एक एक करके कि मुझे इसके बारे में कैसा फील हुआ, इसके क्वालिटी के बारे में मुझे कैसा फील हुआ, क्या 99 रुपीज देना सही में वर्थ इट है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट बुक, द डैन ब्राउन्स द विंची कोड। दिस बुक इज अ लिटरल मास्टरपीस। और इसी बुक को पढ़ने के बाद डैन ब्राउन मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हो गए थे थ्रिलर जॉनरा के अंदर। अगर आप मार्केट में इस बुक का प्राइस चेक करोगे तो लगभग 250 से लगभग 270 रुपीज के आसपास आपको मिलेगी, लेकिन मुझे ये बुक सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिला। 99 रुपीज में मिला तो सही, लेकिन मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़े, जैसे कि इस बुक की क्वालिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बुक का जो स्पाइन है वो टूटा हुआ है और इसके ऊपर मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। और साथ ही इस बुक के जो पेजेस है वो कुछ अच्छे क्वालिटी के नहीं है और साथ ही ये एक सेकंड हैंड कॉपी है, आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि स्पाइन जो है वो टूटा हुआ है। और जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मैं ध्यान से इस बुक को पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस बुक का जो स्पाइन है वो कब टूट जाए, क्योंकि इस बुक की शेल्फ लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिनों तक हो चुकी है। और अगर मुझे 99 रुपीज में कोई सेकंड हैंड बुक खरीदना ही होगा तो मैं अच्छी कंडीशन वाला बुक खरीदना ज्यादा पसंद करूंगा रेदर देन दिस बुक। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आप इनमें से कौन सा बुक पढ़ चुके हो। तो हमारा जो दूसरा बुक है वो है 3000 स्टीचेस बाय सुधा मूर्ति। ये एक शॉर्ट स्टोरी बुक है और इस बुक के जितनी भी शॉर्ट स्टोरी है उसको पढ़ के आपको सुधा मूर्ति जी के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। एंड एज यू कैन सी, इस बुक की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है बाकी किताबों के मुकाबले। और ये कोई फेक कॉपी भी नहीं है, ये एक रियल कॉपी है। अगर उसकी स्पाइन भी देखोगे वो भी बहुत कुछ सही। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक ओरिजिनल कॉपी को इतनी अच्छी क्वालिटी वाला आखिर 99 रुपीज में कैसे दिया। तो हमारा जो तीसरा बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इस बुक की साइज बाकी सारे नॉर्मल बुक से काफी ज्यादा छोटी है। और अगर इसके पेजेस को अगर आप देखोगे तो ये अच्छे से अलाइंड बिल्कुल भी नहीं है पेजेस, यानी कि ये जो एक कॉपी है वो सेकंड हैंड कॉपी नहीं है बल्कि एक फेक पायरेटेड कॉपी है। देखो, मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई पायरेटेड बुक को खरीदूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, 99 रुपीज में जब मुझे बुक मिल गया था तो मैंने सोचा था कि कोई ओरिजिनल बुक भेजेंगे या फिर कोई सेकंड हैंड बुक भेजेंगे, लेकिन उन्होंने एक फेक कॉपी भेज दिया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 99 रुपीज में अगर नया बुक देना पॉसिबल नहीं है तो सेकंड हैंड बुक ही दे दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें फेक कॉपीज को प्रमोट करना चाहिए। अगर मैं फुटपाथ में जाऊंगा तो वहीं पर 60-70 रुपीज में ऐसे फेक कॉपीज आपको बहुत सारे बुक्स के मिल जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि आपको 60-70 रुपीज देकर कोई फेक कॉपी किसी बुक का पढ़ना चाहिए। सो या आई लव दिस बुक बट आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड विद द परचेस, क्योंकि उन्होंने मुझे एक फेक कॉपी भेजा था। सेकंड हैंड भी भेज देते यार, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन चौथा जो बुक है वो है शू डॉग बाय फिल नाइक। ये एक मेमोआ है नाइकी के फाउंडर की। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको बिजनेस के रिलेटेड, नाइकी के जर्नी के रिलेटेड और साथ फिल नाइक के स्ट्रगल्स के रिलेटेड आपको उनके लाइफ के बारे में सब कुछ जो है इस बुक से जानने को मिलेगा। एंड दिस बुक इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक टिल नाउ। लेकिन ये बुक भी एक फेक कॉपी है। ये मुझे कैसे पता? देखो, इसकी कवर जो है वो अच्छी है, उसकी कवर जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, इसके जो पेजेस है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चला क्योंकि ये फेक कॉपी है। आप सामने का ये टेक्स्ट देख सकते हो, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं किया गया है। और जो इसका फर्स्ट चैप्टर है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, फर्स्ट चैप्टर को आपको किस तरीके से प्रिंट किया गया, तो इसी प्रिंट से आपको पता चलता है कि एक बुक फेक है या फिर रियल है। लेकिन सही में बताऊं तो इस बुक की जो प्राइस है वो अगर आप अमेजोन या फिर बाकी जगह पर चेक करोगे तो ये लगभग 700 रुपए के आसपास वो लोग दिखा रहे थे। तो इस बुक को 99 रुपीज में मिलना या फिर देना मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि सेकंड हैंड बुक भी शायद उतने में नहीं मिलता होगा, इसलिए उन्होंने एक फेक कॉपी दे दिया। क्योंकि देखो, फेक कॉपी ही होती है। आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको जो ओरिजिनल का फील आता है वो फेक कॉपी में कभी नहीं आता। जो ओरिजिनल बुक की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। सो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस बुक। इस बुक की कंटेंट और इसकी बुक की जो प्राइसिंग है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। सो या लेट्स गिव द फाइनल वर्डिक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते बुक को खरीदने में, तब आप 99 बुक स्टोर से जाकर इन सब बुक्स को परचेस कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है बुक्स के लिए पे करने का, तो आपको वो बुक्स के लिए पे करना चाहिए बिकॉज दे डिजर्व इट यार। क्योंकि इस बुक को ही देख लो, ये डैन ब्राउन का जो बुक है, ये बुक इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर ये बुक कोई 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में भी बेच रहा होता तो भी मैं इस बुक खरीदता। ये इतनी ज्यादा अच्छी बुक है, तो मैं समझता हूँ कि बुक्स डिजर्व दैट प्राइसिंग। तो अगर 99 रुपीज में भी कोई बुक खरीद दो तो मैं आपको ये कहूंगा कि प्लीज आप सेकंड हैंड बुक खरीद लीजिए, लेकिन पायरेटेड कॉपीज को प्रमोट मत कीजिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ बुक्स मैं खरीदता हूँ, बहुत ओरिजिनल कॉपी खरीदता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे जिंदगी के बिगेस्ट मिस्टेक्स बन जाते हैं। आप साइड में मौजूद इन वीडियो पे क्लिक करके उन सारे बुक्स के बारे में जान सकते हो जो मेरे जिंदगी के सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स साबित हुए हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा और साथ साथ इन बुक्स के बारे में आपने कौन से बुक के बारे में पढ़ के रखा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।